Hi students, welcome to my channel Power Coaching Center of English Gaya. Today I am going to deal with the active passive voice for the present indefinite tense. इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में खो जाएं, आप इसे लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मेरा यह वीडियो अपलोड हो वैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टॉपिक को शुरू करें। स्टूडेंट्स, जब भी आप वॉइस देखें, वॉइस पर काम करें तो हमेशा देखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट पहले और ऑब्जेक्ट बाद में है इसका मतलब वो वॉइस एक्टिव है क्योंकि वो क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है। यदि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया हो और सब्जेक्ट को एजेंट बनाकर बाई के साथ सामान्यतः अंत में ले जाया गया हो तो समझ लें कि यह क्रिया पैसिव होनी चाहिए। सो व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट द वॉइस इज एक्टिव एंड व्हेन द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट इट इज सेड टू बी पैसिव। इस बात को आप एकदम ध्यान में रखेंगे। एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन और मेन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मीन्स एडवर्ब्स इन द पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी पैसिव बनाए आप तो ऑब्जेक्ट को बना लें पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट दैट इज ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव फॉलोड बाय इज एंड आर एज पर द पैसिव सब्जेक्ट। देन मेन वर्ब थ्री पास्ट पार्टिसिपल वर्ब देन अदर वर्ड्स एंड देन द एक्टिव सब्जेक्ट एज द पैसिव ऑब्जेक्ट विद द प्री पोजिशन जनरली विद द प्री पोजिशन बाय। अदर वर्ड्स में आपको तीन चीज मिल सकते हैं मैनर प्लेस एंड टाइम। यदि मैनर हो तो उसे आप पैसिव क्रिया मेन वर्ब थ्री के पहले डाल दें और यदि पैसिव वर्ब में बी बीइंग बीन हो तो उसके पहले ले आए। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बी बीइंग बीन मिलेगा नहीं, प्लेस को वही रहने दें। टाइम आपके पास एक ऑप्शन है या तो उसी जगह पर छोड़ दें या बाय प्लस एजेंट के पास ले जाए। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप एक्टिव से पैसिव बनाए। Now, let us see some examples in the positive sentences. The first example is Rajan eats rice, pulse and vegetables daily. Aapka object hai rice, pulse and vegetables. Isko bana le passive subject. Rice, pulse and vegetables, ye teenon milkar food ban raha hai. Yani one impression de raha hai. So the verb to be will be third person singular each, not on. So rice, pulse and vegetables is eaten daily by Rajan. You can say rice, pulse and vegetables is eaten by Rajan daily. No problem. Next example, I play cricket. Aapka object cricket hai, usko bana le passive subject. Cricket is played by me. Third example, someone abuses her. She is abused. By someone is not required क्योंकि when active subject is indefinite it is not mentioned as by plus agent. They call him a fool. They call the low people in general. Here also the active subject they is an indefinite person. So they call him a fool. Passive हो गया. He is called a fool. आपने फूल कॉम्प्लीमेंट है अतः उसको अपनी जगह छोड़ दिए। हिम आपका ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना दिए। ही इज कॉल्ड अ फूल बाय देम की जरूरत यहां नहीं है। नाउ द नेगेटिव सेंटेंसेस टू बी चेंज इनटू पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव करने का तरीका। एक्टिव सब्जेक्ट के साथ आपको यहां टू डज मिलेगा एज द ऑक्सिलरी वर्ब।
then the adverb not, followed by main verb one, object, other words, that is adverbs. पैसिव में आप ऑब्जेक्ट को बना लें पैसिव सब्जेक्ट, बिल्कुल उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब टू भी हमेशा इज एम आर का ही प्रयोग होगा और उसके बाद नॉट लगा दें, फिर मेन वर्ब वन को पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब थ्री में चेंज कर लें, अदर वर्ड्स को लाएं जैसा मैंने आपको बताया, और अंत में जनरली बाय के साथ पैसिव ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव के सब्जेक्ट को वहां पुट कर दें. फॉर एग्जाम्पल she does not make a noise. आपका object है annoyed. शुरू करें उसी से. A noise is not made by her. Next example, you do not listen to what I say. आपका object है what I say. Preposition को object है to का. What I say इसको बना लें subject और preposition को उसी जगह पर छोड़ दें. So what I say is not listened to. पर तब active subject को by के साथ put कर दें. So, active आपका है you do not listen to what I say. Passive कर दें what I say is not listened to by you. Third example है I do not say that you are a fool. यहां आपका object है that you are a fool. इस पूरे को आगे ले लें active subject passive subject बना लें that you are a fool और उसके बाद देखें कि that you are a fool है क्या, तो एक clause है, एक clause का मतलब third person singular verb. So that you are a fool is not said by me. So remember, बहुत ही आसान है यदि आप ढंग से चलेंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल आसान है. She does not make a noise is not made by her. You do not listen to what I say is not listened to by you. I do not say that you are a fool is not said by me. Now the next one is interrogative, the passive of interrogative present indefinite sentences. Active, do does plus subject plus main verb one plus object plus other words. Just to interrogative में होगा. यदि ये WH interrogative है तो do does के पहले आपको एक WH word मिलेगा. Passive बनाएंगे तो आप उसी तरह से do does के जगह पर इज एम आर ले लें और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को बना लें पैसिव सब्जेक्ट, देन यूज द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब मेन वर्ब थ्री, देन अदर वर्ड्स, देन बाय प्लस एक्टिव के सब्जेक्ट को बना लें पैसिव ऑब्जेक्ट. यहां अभी डब्ल्यूएच क्वेश्चन आपको एक्टिव मिला था, इज एम आर के पहले आप डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल कर दें. फॉर एग्जाम्पल डज ही हेल्प यू, अब आपका एक्टिव मेन सब्जेक्ट है ही तो उसके अनुसार डज है, पैसिव का सब्जेक्ट आपका यू हो रहा तो उसके अनुसार आर होगा. सो आर यू हेल्प्ड बाय हिम. नेक्स्ट एग्जांपल, डू द पुलिस अरेस्ट एनी क्रिमिनल्स, भाई पुलिस क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने का काम पुलिस का ही होता है, अतः इसमें बाय द पुलिस देने की आवश्यकता आपको नहीं है. सो डू द पुलिस अरेस्ट एनी क्रिमिनल्स का पैसिव होगा आर एनी क्रिमिनल्स अरेस्टेड, आर एनी क्रिमिनल्स arrested. Next one, who does help you, or spoken English के आधार पर आपको does help की जगह केवल help से मिल सकता, no problem, आप पैसे बनाना है आपको. So who does help you or who helps you, पहला तरीका यदि आप who से बनाते हैं तो by को last में रखें क्योंकि who अपना preposition end में लेता है, और यदि whom से बनाते हैं तो preposition by front पे रखें. So पहला तरीका आपका हुआ who are you helped by or by whom are you helped, who are you helped by or by whom are you helped. Next example है what do you do daily, passive में आपका active subject है you और object है आपका what, वही बन जाएगा passive subject और you चला जाएगा by के साथ. So what do you do daily, what is done daily by you, what do you do daily, what is done daily by you. Now come to the next interrogative negative sentences to be changed into passive in the present indefinite tense. In the active voice you will have do or does plus subject plus not plus main verb one plus object plus other words, that is adverbs. While changing it to passive you will have to use is, am, are plus passive subject
that is the object to the active, followed by not plus main verb 3 past participle verb plus other words adverbs plus by plus passive object that is the subject to the active. इस तरह से आप active से passive किसी भी sentence को present indefinite tense में कर सकते हैं. Let us see some examples. Example number 1, do you not like taking tea? Do you not like taking tea? आपका object है taking tea, इससे बना ले subject. तो पैसिव हो गया इज टेकिंग टी नॉट लाइक्ड बाय यू. इज टेकिंग टी नॉट लाइक्ड बाय यू. ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पकड़ेंगे और उसके सारे शब्दों को प्रीपोजिशन छोड़ देंगे, वहीं लेकर फ्रंट पे चले आएंगे पैसिव शब्द के रूप में. नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई डज ही नॉट लव व्हाट आई लव. व्हाई डज ही नॉट लव व्हाट आई लव. व्हाट आई लव इज द ऑब्जेक्ट, इसको बना ले पैसिव सब्जेक्ट. तो पैसिव वॉइस होगा आपका Why is what I love not loved by him? ध्यान से करेंगे students. Question है, active है. Why does he not love what I love? What I love को आप front पर लाएंगे और does की जगह पर उस clause के अनुसार singular है, एक clause है is लेंगे. Why is what I love not loved by him? And the last example, does she not look after her son properly? Does she not look after her son properly? Is her son not properly looked after? By her son है तो see ही subject या doer होगी. So by her देने की आवश्यकता नहीं है. जब भी किसी case से person स्पष्ट हो जाए तो by plus agent is avoided. So passive आपका correct passive हुआ. Is her son not properly looked after? आपको ये मेरा video कैसा लगा comment करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.